नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल गुरुग्राम गार्डन में। और जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरा एक लौंग का पौधा है, तो मैं आज इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मैंने गमले में लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़ी ही खूबसूरत ढंग से फैलाव में फैला हुआ है और इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, बिल्कुल देखने में बहुत अच्छा प्लांट लग रहा है। पर आज इसमें एक ख़ास बात है जिसकी वजह से मैं इसकी एक वीडियो बना के आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ। ये पौधा जो है मैंने 12 इंच के प्लांट पौधे में गमले में लगाया हुआ है, 12 इंच के पॉट में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसको लगाए हुए लास्ट ईयर मैंने लगाया था 2021 में। शुरुआत में हल्की ग्रोथ ही लगाया था, धीरे धीरे बढ़ने में टाइम लगता ही है और आज ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत पौधा बन चुका है। हाइट होगी लगभग इसकी 2 फीट के आसपास, गमले और इस पौधे को मिला करके 2 फीट प्लस हो चुकी है। पर आज इसमें आप देखिएगा, पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत आए हुए हैं इसके, देखने में बहुत ही अच्छा पौधा लगता है। अगर आप इसको देखें, काफ़ी डेकोरेटिव टाइप का प्लांट है। मैं आपको दूर से एक व्यू दिखा रहा हूँ, तो देखिएगा। और आज इसमें एक, ये कल की डेट में एक फूल खिला था, तो मैं कल तो ये वीडियो बना नहीं पाया था, तो मैंने आज टाइम निकाल करके ये वीडियो बनाई है। तो आज इसमें लगाए हुए 1 साल हो चुके हैं और इसमें ये अब एक पहला फ्लावर आया है जो कि कल खिला था। तो यही मैं आपको जानकारी देना चाह रहा था। इसको पौधे को लगाए हुए मुझे 1 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है, घना काफ़ी अच्छा फैलाव में है। देखिए ये फूल दिख रहा है यहाँ से। तो इसमें मैंने जब ये लगाया था तो गोबर की खाद जो होती है और नीम खली और साधारण मिट्टी जो होती है वो मैंने डाली थी। नीम खली से ये फ़ायदा होता है, एक तो पौधे में कोई फंगस वगैरह लगने में बचाव करता है और दूसरा पौधे के लिए भी अच्छा होता है। और खाद तो होती ही अच्छी है, जो मैंने पूरी तरीके से सड़ी गली गोबर की खाद लगाई थी पौधे में और काफ़ी अच्छी इसने ग्रोथ ली हुई है, आप देख पा रहे हैं। और अभी इसमें एक साल के अंदर एक पहला फ्लावर खिल ही चुका है, देखिएगा। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसकी कली पीछ बैक साइड से मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूँ। देखो अभी इसमें और कुछ नई ग्रोथ होते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं, मैं उसकी भी ज़रूर आपको वीडियो शेयर करूँगा। और लौंग जो इसमें अगर बन पाती है, वैसे तो देखते हैं अभी क्या ग्रोथ होती है, तो अगर इसमें लौंग बनती है तो उसकी भी मैं वीडियो जल्दी ही आपको बना करके दिखाऊंगा। जो भी इसमें ग्रोथ होगी उसकी अपडेटेड वीडियो ज़रूर आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से प्लांट्स लगाइए, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये। हालांकि मेहनत ज़रूर होती है और कई बार पौधा मर जाता है, ख़राब हो जाता है, तो दुख भी बहुत होता है। पर इससे जब आपके पौधे की ग्रोथ होती है तो आप काफ़ी अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो इसलिए आप भी, और वैसे भी वातावरण के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, और आप भी इस तरीके से प्लांट्स अपने घरों में लगा सकते हैं, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के, या अदर कोई, जैसे मैंने स्पाइस का प्लांट लगाया हुआ है लौंग का, तो इस तरीके से आप भी प्लांट्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई कमेंट हो, कोई सजेशन आप मुझे इसके बारे में देना चाहते हो, इस प्लांट के बारे में, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा लौंग के बारे में लगाए हुए 1 साल ही हुआ है, तो आपको अगर कोई जानकारी हो इसके बारे में तो मुझे आप ज़रूर शेयर करना, तो कमेंट्स में आप ज़रूर इसके बारे में बताना। इस तरीके से मैंने और भी कुछ एक प्लांट लगाए हुए हैं, तो मैं रेगुलर इससे संबंधित वीडियो बनाता ही रहता हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो, और ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।